आज हम व्हाइट रस्ट डिजीज श्वेत कीट रोग का अध्ययन करेंगे। यह डिजीज क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्यों जैसे मूली, सरसों, गोभी एवं चुकंदर आदि पर पाई जाती है, इसीलिए इसे व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर भी कहते हैं। इस प्लांट डिजीज को हम चार टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन इज डिजीज सिम्टम, रोग के लक्षण। सेकेंड वन इज कॉजल ऑर्गेनिज्म, रोग कारक। थर्ड वन इज डिजीज साइकिल, रोग चक्र। एंड द फोर्थ वन इज कंट्रोल मेजर, रोग लक्षण के उपाय। सबसे पहले हम डिजीज सिम्टम देखते हैं। इस डिजीज व्हाइट रस्ट डिजीज के इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स हैं, प्लांट्स के एरियल पार्ट्स पर डेवलप होते हैं, जैसे लीव, स्टेम्स, फ्लावर। लीव्स पर यह सिम्टम्स जो है व्हाइट पस्टुल्स के रूप में अराइज होते हैं, सफेद धब्बों के रूप में जो है लीव्स पर बनते हैं। यह व्हाइट पस्टुल्स जो है लीव्स की सबसे पहले लोअर सरफेस पर डेवलप होते हैं और उसके पश्चात बाद में यह लीव्स की अपर सरफेस पर भी बनते हैं। दीज पस्टुल्स आर एक्चुअली द एरिया वेयर कोनिडिया आर फाउंड। ये वो जगह है, वो स्थान है जहां कोनिडिया का निर्माण होता है। अगर हम इसके थ्रू ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो हमें जो है कोनिडिया दिखाई देते हैं। यह पस्ट्यूल्स इनिशियली स्मॉल साइज के होते हैं और बाद में धीरे धीरे यह स्मॉल पस्ट्यूल्स या स्पॉट्स कोलेज होकर मिलकर बड़े पस्ट्यूल्स का निर्माण करते हैं, और इन पस्ट्यूल्स के निर्माण के कारण ही लीव्स की एपिडर्मिस जो है पूरी तरह रप्चर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और लीव की सरफेस के ऊपर व्हाइट पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स जो है विजिबल हो जाता है। इसीलिए इस डिजीज को हम व्हाइट रस्ट डिजीज कहते हैं। लीव्स के अलावा यह सिम्टम्स जो है स्टेम्स और फ्लावर पर भी अराइज होते हैं। इस डिजीज में लीव्स और स्टेम कंप्लीटली मॉलफॉर्म्ड हो जाते हैं। लीव्स थिक फ्लैशी हो जाती है एवं स्टेम पूरी तरह से विकृत एवं मैसिव हो जाती है। स्टेम के अलावा जो फ्लावर है यह भी प्रभावित होते हैं। फ्लावर्स में उपस्थित सेपल, पेटल, स्टेमन्स एवं कार्पल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह फ्लावर्स जो है पूरी तरह स्ट्राइल डेवलप होते हैं। यह इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। सेकेंड टॉपिक इज कॉजल ऑर्गेनिज्म। यह जो डिजीज व्हाइट रस्ट डिजीज है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एल्बुगो कैंडिडा, जो बिलोंग करता है क्लास ऊमाइसिटीज को। एल्बुगो कैंडिडा एक ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फंजाई है। यह एक अविकल्पी परजीवी है। चूंकि यह बिलोंग करता है ऊमाइसिटीज क्लास को, इसका जो माइसीलियम है वेल डेवलप्ड होता है, असेप्टेड पट विहीन होता है एवं संकोशिकीय सिनोसिटिक कंडीशन इसमें पाई जाती है। माइसीलियम अफेक्टेड प्लांट्स पार्ट्स में डीपली इन्वेडेड होता है एवं यह इंटरसेलुलर स्पेस में ग्रो करता है और हॉस्टोरिया चुषकांग के माध्यम से अपना पोषण जो है प्लांट से प्राप्त करता है। थर्ड वन इज डिजीज साइकिल, रोग चक्र। यह एक सॉइल बॉर्न डिजीज है। सॉइल में उपस्थित जो डिजीज प्लांट है इनमें ऊसपोर उपस्थित होता है और यही ऊसपोर डिजीज का जो प्राइमरी इनोकुलम का जो सोर्स बनता है। यह ऊसपोर नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में जर्मिनेट करता है और इसमें उपस्थित ऊसपोर में उपस्थित डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है और यह फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड करके बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। चूंकि यह ऊसपोर जो है इसमें थ्री लेयर थिक वॉल पाई जाती है और थ्री लेयर थिक वॉल की उपस्थिति के कारण यह ऊसपोर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव रह सकते हैं और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में यह उस पोर जर्मिनेट करते हैं और इनमें
इनका जो प्रोटोप्लास्ट है यह यूनिन्यूक्लिएट फ्रेगमेंट्स में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक यूनिन्यूक्लिएट फ्रेगमेंट जो है जूस पोर का निर्माण करते हैं और यह जूस पोर जो है सुटेबल होस्ट प्लांट की सरफेस पर जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब के माध्यम से जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं और यह माइसीलियम असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है कोनिडिया के माध्यम से। यह कोनिडिया जो है डिजीज के स्प्रेड करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में यह कोनिडिया जो है होस्ट प्लांट पर डेवलप होते हैं और डिजीज को स्प्रेड करते हैं एयर एवं वाटर के द्वारा। माइसीलियम में सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है और सेक्स ऑर्गन्स के निर्माण के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है ऊसपोर का निर्माण करता है। यह ऊसपोर डिजीज्ड प्लांट ऑर्गन में रहता है और अगर हम इसे इन डिजीज प्लांट को नष्ट नहीं करते तो यह डिजीज प्लांट जो कि सॉइल में पड़े हैं इनमें उपस्थित ऊसपोर नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में प्राइमरी इनोकुलम का सोर्स बनता है। इस तरह यह चक्र जो है निरंतर चलता रहता है और जो है डिजीज जो है एल्बू को जो है डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल मेजर। इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, वाइट रस्ट डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है इन मेजर्स के द्वारा। फर्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम अगर एक ही फसल को बार बार ना बोएं तो डिजीज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। प्रत्येक एवरी ग्रोइंग सीजन में हमें जो है अलग अलग तरह की फसलों का चयन करना चाहिए और अलग अलग तरह की फसलों का चयन करने से हम जो है डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एल्बुगो एक ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई है, इसे एक सुटेबल होस्ट प्लांट ही चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर इसे वो होस्ट प्लांट नहीं मिलेगा तो यह जो है इसके ऊसपोर जो कि सॉइल में उपस्थित है यह अपने आप ही समय के साथ नष्ट हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। सॉइल में उपस्थित जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, इनके पार्ट्स हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स के, उनको हमें जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। इससे यह फंजाई जो है पूरी तरह फील्ड से रिमूव हो जाएगी। थर्ड वन इज बाय स्प्रेइंग 0.8% बॉडीज मिक्सचर। 0.8% बॉडीज मिक्सचर के छिड़काव से भी इस डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह हमने आज वाइट रस्ट डिजीज के बारे में जाना और इस डिजीज के कॉसल ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है शॉर्ट नोट में आ जाता है। इसके अलावा डिजीज साइकिल पूछी जा सकती है अथवा इस डिजीज के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स भी पूछे जा सकते हैं अथवा इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। डिस्क्राइब द सिम्टम कॉसल ऑर्गेनिज्म डिजीज साइकिल ऑफ वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसिफर। इस तरह आज आपका एक टॉपिक प्लांट डिजीज का कंप्लीट होता है। थैंक यू।